हेलो गाइस वेलकम टू यूजीसी कि आपको पता है कि मैंने हाउ टू प्रिपेयर क्रोनोलॉजी और हाउ टू रिमेंबर डेट्स इस टॉपिक के ऊपर एक सीरीज शुरू कर रखी है तो आज की ये जो वीडियो है ये इस सीरीज का फिफ्थ लेक्चर रहने वाली है फोर लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस पे तो आइए आज की जो वीडियोज है वो शुरू करते हैं सो so आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ट हैपन एग्जैक्टली हंड्रेड इय आफ्टर ड्राइडन वॉज बोर्न कि ड्राइडन के बोर्न होने के सौ साल बाद क्या हुआ था तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जो ड्राइडन है वो कब बोर्न हुए थे so, Dryden was born in 1631. और अब हमें बताना है कि हंड्रेड ईयर बाद क्या हुआ था मतलब कि सेवनटीन थर्टी वन का हमें बताना है कि सेवनटीन थर्टी वन में हुआ क्या था तो यहाँ पर जो कुछ ऑप्शंस दिए हैं लाइक विलियम कॉपर वॉज बोर्न तो विलियम कॉपर जो है उनका जन्म हुआ था 1731 में मतलब कि 1731 में ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है सेकंड है डेनियल डिफो डाइड जो डेनियल डिफो है इनकी डेथ भी हुई थी 1731 में ठीक है जी जो डेनियल डिफो है उनकी डेथ भी 1731 में हुई तो तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन बी है ये भी करेक्ट हो जाता है थर्ड ऑप्शन क्या है थॉमस पेन वोज बोर्न जो थॉमस पेन है इनका बर्थ 1737 में हुआ था तो ये ऑप्शन हमारा रोंग हो जाएगा और ऑल ऑफ दीज ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन होगा राइट right आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए एंड बी होंगे सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सो जो क्वेश्चन नंबर फोर्टी है हमारा वो क्या है हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर

ठीक है जी पामेला 1740 में पब्लिश हुई है और जो टॉम जोन्स वर्क है ये पब्लिश हुआ था 1749 तो दोनों में कितने टाइम का डिफरेंस हुआ नाइन ईयर का डिफरेंस हुआ तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर पामेला वो द फर्स्ट नॉवल बाय टॉबियस स्मॉलेट पब्लिस्ड पामेला के कितने टाइम के बाद जो टॉबियस मॉलेट है उनका फर्स्ट नॉवल पब्लिश हुआ था तो जैसा कि अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा ही है कि जो पामेला है पामेला वॉज बोर्न इन सेवनटीन फोर्टी तो अब जो टॉबियस मॉलेट है इनका जो फर्स्ट नॉवल है फर्स्ट नॉवल का नाम क्या है द एडवेंचर्स ऑफ रोड्रिक रैंडम ये जो है द एडवेंचर्स ऑफ रोड्रिक रैंडम ये टॉबियस मॉलेट का फर्स्ट वर्क है और ये जो इनका फर्स्ट नॉवल है ये पब्लिश हुआ था सेवनटीन फोर्टी एट में ठीक है जी ये कब पब्लिश हुआ था 1748 में पब्लिश हुआ था मतलब कि आठ साल के बाद पब्लिश हुआ था इसीलिए जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी एट ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन बिफोर विलियम ब्लेक वॉज बोर्न कि विलियम ब्लेक के बोर्न होने से पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ था या क्या क्या विलियम ब्लेक के बोर्न होने से पहले हुआ था अब जो विलियम ब्लेक हैं विलियम ब्लेक बोर्न कब हुए थे 1757 में जो विलियम ब्लेक हैं वो बोर्न हुए थे ठीक है जी 1757 में विलियम ब्लेक बोर्न हुए थे अब नेक्स्ट क्या है कि जो हमने ये बताना है कि 1757 से पहले क्या क्या हुआ था ठीक है जी तो यहां पर है जोनाथन स्विफ्ट डाइड जो जोनाथन स्विफ्ट है इनकी डेथ हुई थी 1745 में तो ऐसे ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है क्योंकि ये 1757 से पहले हुआ था नेक्स्ट है हमारा ट्रिस्टम शेंडी वाज पब्लिश्ड जो ट्रिस्टम शेंडी है ये जो वर्क है ये 1759 में पब्लिश हुआ था मतलब कि ये 57 के बाद आया है तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन हमारा रोंग हो जाएगा थर्ड ऑप्शन क्या है वॉल्टर स्कोट वाज बोर्न जो वॉल्टर स्कोट हैं इनका बर्थ हुआ था 1771 में तो ये जो है 1771 ये भी 57 के बाद हुआ है तो इसीलिए सी ऑप्शन भी हमारा रोंग हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन तो ऑल ऑफ तो ही है मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 57 जोनाथन स्विफ्ट डाइड जोनाथन स्विफ्ट 1745 में डेथ हो गई थी इनकी तो ये हमारा राइट right ऑप्शन रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी जो क्वेश्चन नंबर 46 है वो क्या है व्हिच ऑफ दीज बुक्स वर पब्लिश्ड आफ्टर द फीमेल किक्सर्ट ये जो है वर्क फीमेल किक्सर्ट इससे इससे पहले आ, कौन सी जो बुक है सॉरी इसके बाद कौन से वर्क्स पब्लिश हुए हैं तो जो ये है हमारा फीमेल किक्सर्ट है ये 1752 में पब्लिश हुआ था ठीक है जी ये जो वर्क है ये 1752 में आया है इसके बाद पब्लिश हुए वर्क्स हमने बताने हैं कौन कौन से हैं तो सबसे पहले है पामेला जो कि 1740 में आया था ठीक है जी जो टॉम है टॉम फोर्टी 1749 में पब्लिश हुआ था देन हमारे पास है ट्रिस्टम शेंडी जो ट्रिस्टम शेंडी है, वह है, 1759 में पब्लिश हुआ है। मतलब कि ये 72, फिफ्टी के बाद पब्लिश हुआ है इसीलिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा और नेक्स्ट वर्क है द कासल ऑफ ओटरेंटो ये जो वर्क है ये 1764 में पब्लिश हुआ है मतलब कि 1764 में हुआ है तो ये वर्क भी 1752 के बाद हुआ था तो इसीलिए डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा तो 46 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का वो है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन और जो क्वेश्चन नंबर सेवन है वो क्या है कि ऑफ दीज इज क्रोनोलॉजिकली इनमें से हमने बताना है कि कौन सा ऐसा वर्क है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्रोनोलॉजिकली सेट है सो so सबसे पहले है सेकेंड जेकोबाइट रिबिलियन जो सेकेंड जेकोबाइट रिबिलियन है वह हुआ था 1745 में फर्स्ट कब हुआ था 1715 में फर्स्ट जेकोबाइट रिबिलियन हुआ था और सेकेंड सेकेंड हुआ था 1745 में अब है प्रीफेस टू शेक्सपियर इज पब्लिश्ड ये जो है प्रीफेस टू शेक्सपियर ये 1765 में पब्लिश हुआ था ठीक है जी प्रीफेस टू शेक्सपियर कब हुआ था 1765 में देन है थॉम्स चेटर्टन डाइज जो थॉम्स चेटर्टन है उनकी डेथ हुई थी 1770 में 1770 में इनकी डेथ हुई थी नेक्स्ट है बोस्टन टी पार्टी तो जो बोस्टन टी पार्टी है वह सेवनटीन थ्री में हुई थी तो इस हिसाब से जो हमारा राइट right ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ये हमारा राइट right ऑप्शन होने वाला है ए बी सी डी क्योंकि ये ऑलरेडी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन्होंने दे रखा है तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा ए बी सी डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट जो क्वेश्चन नंबर 48 है वो है कि अरेंज दिस पोएट्स क्रोनोलॉजिकली कि हमने ये जो पोएट्स हैं इनको क्रोनोलॉजिकली सेट करना है तो फर्स्ट जो है हमारे वो है कॉलरेज और कॉलरेज जो है वह 1772 में बोर्न हुए थे देन है हमारे पास चार्ल्स लैम जो चार्ल्स लैम है वह 1775 में बोर्न हुए हैं देन है हमारे पास साउदी जो साउदी है वह 1774 में बोर्न हुए हैं और जो लास्ट है स्कॉट स्कॉट वॉल्टर ये 1771 में आ, बोन हुए थे ठीक है जी सो so, इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सबसे पहले आएगा स्कॉट फिर हमारा आएगा कॉलरेज उसके बाद आएगा साउदी देन हमारे चार्ल्स स्लैम्प आएंगे सो so, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी इयर्स आफ्टर द स्टैंप एक्ट वोज द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन अमेरिका मतलब की है है कि स्टैंप एक्ट के कितने टाइम बाद जो अमेरिका है उसको इंडिपेंडेंस मिली थी तो सबसे पहले देखो कि जो स्टैंप स्टैंप एक्ट है एक्ट कब हुआ था 1765 में जो स्टैंप एक्ट था वो हुआ था अब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन अमेरिका अमेरिका को इंडिपेंडेंस कब मिली थी ये इसको मिली थी 1776 में ठीक है जिस स्टैम्प एक्ट था 1765 में और अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली थी 1776 में सो so, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ हमारे पास यहां पर वो हो गया 11 इयर्स तो so, 11 कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन है ठीक है जी सो ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 50th जो 50th है क्वेश्चन नंबर इसमें क्या बताया गया है हमारे पास हाउ मेनीय बि रेवल्यूशन पब्लिश हुआ था इंडिया में। so, जो फ्रेंच है, वो हमारी हुई थी सेवनटीन एटी नाइन में ठीक है जी फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग कब हुई थी सेवनटीन एटी नाइन में और जो फर्स्ट न्यूज पेपर था इंडिया में वो आया था सेवनटीन एटी में तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ नाइन ईयर इनका डिफरेंस हो गया फर्स्ट न्यूज आया था सेवनटीन में और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी वो हुई थी सेवनटीन में तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया नाइन ईयर इनके बीच का डिफरेंस है तो इसीलिए फिफ्टी क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है नाइन ये इसका राइट right आंसर होगा ठीक है जी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा सो so गाइज आज की वीडियो में बस आपको इतने ही क्वेश्चन कराऊंगी आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू गाइज कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज